तो अब हम नहा चुके हैं और अब हम खाएंगे 5-स्टार टाइप का खाना। आज क्या है? ओ हो, 1 pot ऑफ राइस विद क्रीमी ब्लेंड ऑफ वेजीज एंड विद ऑल द वेजीज एंड सोया बीन्स। मैं आपको दिखाता हूँ। खिचड़ी, हाँ। तो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। हम सभी को सिग्मा बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सिग्मा जो होते हैं किसी के बाप से नहीं डर। क्या नौटंकी कर रहे हो यार? वीडियो बना रहा हूँ पापा, आ रहा हूँ। जा नीचे जाके पानी भर। हाँ, किसी के बाप से नहीं डरते। तो हम बढ़ गए हैं हमारे अगले सेशन की तरफ, जो है एक्सरसाइज। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे कैसे क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है? तो गाइस, सिग्मा मेल की जो बॉडी होती है वो बहुत ही तगड़ी होती है, लेकिन हमारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं, 5-6-7 किलो जितने के भी आपके पास डंबल हो, हम वो लेंगे और हम इसके 3 सेट मारेंगे टोटल, बोथ द हैंड्स, लाइक 1, 2, 3। दैट्स इट, आपकी बॉडी बन चुकी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो रूटीन है दोनों हाथ पे रिपीट करना है, दैट्स इट। अब मैं आपको बताऊंगा एब्स मारने का सबसे सिंपल तरीका। आपको यूजुअली क्या करना है, डेली रूटीन फॉलो नहीं करना है जो हम यूजुअली करते हैं, डंबल्स एंड एवरीथिंग, नो। आप अपने एब्स को इस तरह पकड़िए एंड व्हाट यू हैव टू डू, अपने एब्स को ऐसा मक्का बना के खूब तेज मारना है। तो यही कहलाता है एब्स मारना, यू नो, एब्स मारना। इस ट्रेनिंग से भले ही आपके एब्स ना बने, लेकिन अगर आप जिम जाते हैं तो आपका ट्रेनर आपकी तो अगली जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है पुशअप। हम लगाएंगे लगभग 500 पुशअप, ठीक है? तो रेडी हो जाइए, एक धांसू सा म्यूज़िक लगा के रेडी हो जाइए। अभी आज मैंने क्या ऑलरेडी इस वीडियो के पहले लगा चुका हूँ पुशअप, तो इसलिए मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। ऑलरेडी आई डेट 1500 पुशअप लगा चुका हूँ। आगे करते हैं। और अगर आप भी सिग्मा मेल है तो आपको डांस आना बहुत ज़रूरी है। तो सिग्मा मेल्स को डांस आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको डांस नहीं आता तो वैसे भी आप कोई इवेंट में जाएंगे और खड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा चूते वजह से, है ना? तो आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट माइकल जैक्सन टाइप के डांस ट्यूटोरियल्स देने वाला हूँ, तो आप देखें। अच्छे से करो बे। ध्यान कहाँ है तुम लोग का? यह तुम्हारे बस का नहीं है, समझ जाओ। एक्चुअली ये माइकल जैक्सन के लेवल का डांस है। जो तुम्हारे बस का नहीं है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो आप सीखो और आगे हम चलते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा चश्मा है जो टूट गया है, ये आई गेस मैंने 1800 रुपये का लिया था, लेकिन हम सिग्मा हैं, हमें इन टाइप की छोटी चीज़ें टूटने का फ़र्क नहीं पड़ता है। सिग्मा बनने के लिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे मन को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने मन को स्थिर रखने के लिए हम करेंगे आज मेडिटेशन। हमें अपनी दोनों आंखें बंद करनी और इस ज्ञान मुद्रा में बैठना है। ये माइक है, ऑफकोर्स सी बात है, तो मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ। इस शांत वातावरण को आप फील करिए। अरे पास्ता खाओगे? भाई नहीं खाऊंगा पास्ता। नहीं खाऊंगा, डिस्टर्ब मत करो। अच्छा खाऊंगा। हाँ। आपको कुछ भी करके डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने मन को एकदम स्थिर रखिए।
हेलो गाइस, अब हम अपने रात की शुरुआत करेंगे सो के। मैंने आज जो भी आपको यूज़फुल टिप्स दी हैं वो आपके लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएंगी, तो आप करिए और सिग्मा बनिए। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए कि सोते समय आप लोगों की जो एक आँख है वो खुली रहनी चाहिए, लाइक दिस। सिग्मा मेल्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ये बात का पता होना चाहिए कि इधर भीतर क्या हो रहा है, तो इससे हम सो भी सकते हैं और एक आँख से देख भी सकते हैं। ओके, गुड नाइट।